जब से केजरीवाल यहाँ आया है उसने केवल और केवल राजनीति देखकर, जिस बदतमीजियों से, जिस गैर संवैधानिक व्यवहार से उसने दिल्ली को चलाने की कोशिश की और भारत सरकार से बार बार झगड़ा कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की बात की, इसी कारण से ये बिल भी आया। केजरीवाल के रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति और बीजेपी से झगड़ा नहीं करते तो दिल्ली सरकार के खिलाफ ये बिल कभी नहीं आता। केजरीवाल की बदतमीजी की वजह से राज्यसभा में पास हुआ है ये बिल। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि कांग्रेस के एक बड़े नेता के हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 दिल्ली NCR में। मैं हूँ पूनम अधिकारी। दिल्ली सेवा विधेयक यानी दिल्ली सरकार के खिलाफ लाया गया बीजेपी का बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध में थी, लेकिन पार्टी लाइन से हटकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और शीला दीक्षित के बेटे और साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को खुद इस बिल के लिए दोषी ठहराया है। दिल्ली पर जो बिल आज राज्यसभा में आया है, अभी अभी खबर मिली है कि वो पास हुआ है, इससे पहले लोकसभा में भी पास हुआ था। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो संघीय ढांचा सोचा गया था, जिसमें दिल्ली को कभी पूरा राज्य ना देने की बात थी, जिसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके कई आयामों में साथ करने की बात कही गई थी। बिल पास होने के बाद संदीप दीक्षित ने एक वीडियो संदेश जारी कर केजरीवाल को जमकर कोसा, और यहां तक कि संदीप दीक्षित ये कहने से भी नहीं रुके कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बदतमीजी की वजह से ही ये बिल पास हुआ है। जब से केजरीवाल यहाँ आया है उसने केवल और केवल राजनीति देखकर, जिस बदतमीजियों से, जिस गैर संवैधानिक व्यवहार से उसने दिल्ली को चलाने की कोशिश की और भारत सरकार से बार बार झगड़ा कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की बात की, इसी कारण से ये बिल भी आया। संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर केजरीवाल बीजेपी से झगड़ा नहीं करते और गैर संवैधानिक तरीके से नहीं चलते तो आज केजरीवाल दिल्ली की सत्ता संभाल रहे होते, और एक तरीके से इस बंटवारे में जो सर्विसेज हैं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन पर जितना दिल्ली सरकार का वर्चस्व और कंट्रोल रहना चाहिए उतना भारत सरकार का भी होने का था, और ये सिस्टम कई वर्षों से दिल्ली में बेहतर तरीके से चल रहा था। संदीप दीक्षित का कहना है कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ये बिल सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के उल्टे सीधे बयानबाजी की वजह से ही पास हुआ है। अब मैं आशा करूंगा कि फिर से रोने धोने और उल्टी सीधी बातें करने और बयानबाजी के अलावा कोशिश करेगा केजरीवाल को, जो 9 साल में उसने काम नहीं किया है दिल्ली में, कम से कम ये बचे हुए 1-1.5 साल में कुछ तो वो काम दिल्ली के लिए जरूर कर पाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल पर संसद के अंदर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का जमकर साथ दिया। हालांकि कांग्रेस के समर्थन के बावजूद भी ये विधेयक राज्यसभा में भी 131 और 103 से पास हो गया। कांग्रेस ने भले ही इस बिल के खिलाफ केजरीवाल का साथ देने की पूरी कोशिश की हो, लेकिन संदीप दीक्षित के इस बयान से साफ है कि वो केजरीवाल के समर्थन में ना ही कभी थे, हैं और ना ही कभी रहेंगे। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।